हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल द गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शेर पंजाब गेहूं, जो हमारा होता है बहुत ही बेहतरीन सील्ड है ये। इसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत करते हैं आपका। तो ये जो हमारा शेरा पंजाब गेहूँ देख रहे हैं, जिसको सब किसान भाई कोई शेरा पंजाब कोई शेर पंजाब बोलते हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये अभी 20 से 25 दिन की फसल हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये हमारी जब 25 दिन की फसल हो गई थी तो मैं इसमें जिंक और यूरिया डाल के इसकी सिंचाई कर दी थी। तो मैंने इसकी प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों के अंदर कर दिया है। अब दूसरी सिंचाई की अगर हम बात करें तो दूसरी सिंचाई उसके नेक्स्ट 20 से 25 दिनों में देनी होती है। उसका जो डिस्टेंस होता है दूसरी सिंचाई का, तो 20 से 25 दिनों का डिस्टेंस करना चाहिए खेती में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जब दूसरी सिंचाई करें तो दूसरी सिंचाई में किस किस खाद का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक बीघे का रेशियो मैं बता रहा हूँ कि एक बीघे में एक बोरी यूरिया डाल दीजिए, जो अपनी आती है 40 से 45 केजी की समथिंग यूरिया आती है। पूरी एक बोरी डाल दें और उसके बाद उसमें ग्लोरी लेके आएँ। ग्लोरी नाम की एक जिंक होती है, ये 5 केजी डाल दें उसमें, 5 केजी डाल दें, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस निकलेगा इसका। देख लेना कितनी टहनियाँ निकलेंगी, कितने कल्ले निकलेंगे इसमें। और जितने कल्ले होते हैं, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, जितने कल्ले होते हैं बस उतनी ही बालियाँ होती हैं इसमें। आप समझ लीजिए कि जितना आप इसमें पहले से ग्रोथ करोगे, जितनी अच्छी खाद डालोगे, जितनी अच्छी तैयारी करोगे गेहूँ की, जितनी अच्छी इसमें ग्रोथ होगी, टहनियाँ निकलेंगे, बस उतना ही गेहूँ की बालियाँ होंगे, जिससे आपको लाभ मिलने वाला है दोस्तों। और अगर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर हम आपको बताएं किसान भाइयों, तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसकी ये है, जो किसान भाई गेहूँ बोने के बाद पिपरमिंट की खेती करते हैं, जिसको मेंथा ऑयल बोलते हैं। अगर जो किसान भाई हम बताना चाहते हैं, जो गेहूं की फसल के बाद मेंथा ऑयल के लिए उसमें डालते हैं, मेंथा ऑयल का पौधा लगाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन की खेती होती है। ये अगेती किस्म की फसल होती है शेर पंजाब, और ये बहुत ही टाइम पकड़ जाती है। टाइम बोले तो इसका कम से कम 25 से 30 मार्च के बीच में कट जाता है गेहूँ, और ये पिपरमिंट का बहुत ही बेहतरीन दिनों में लग जाएगी। मार्च में ही पिपरमिंट लग जाएगी आपकी, जिसको मेंथा ऑयल बोलते हैं। तो मेंथा ऑयल लेने के लिए आप ये शेर पंजाब लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सील्ड होती है। आप अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार का गेहूँ हुआ है और किस प्रकार का पौधा चल रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस गेहूँ की हाइट कितनी होती है और ये कितने दिनों की फसल होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके अगर हम गेहूँ की फसल की बात करें, तो ये कितनी हाइट की होती है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ये गेहूँ की फसल जो हमारी होती है, ये 95 से 103 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी बेहद ऊंचाई का पौधा होता है, जो इतना ज़बरदस्त पौधा होता है, जिसमें गेहूँ के साथ साथ भूसा की भी मात्रा ज़्यादा निकलती है, जिसको आप किसान भाई जानते होंगे। भूसा हम लोग भूसा कहते हैं, कोई लोग इसको तूड़ा बोलता है, इसकी भूसा की भी मात्रा बहुत ही ज़बरदस्त निकलती है। ये शेर पंजाब अगेती किस्म कहलाती है और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। ये जो शेर पंजाब है, ये 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। ये मेंथा ऑयल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गेहूं की फसल होती है, जो हमारे भाई लोग मेंथा ऑयल की खेती करते हैं, जो पिपरमिंट की खेती करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो लगाइए शेर पंजाब और जल्द से जल्द पिपरमिंट भी लगाइए, उससे भी लाभ लीजिए। हेलो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और हमारी नई वीडियो के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।